दोस्तों, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने एक आइडियल का एक मोबाइल लेके आए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डेड है, कस्टमर कह रहा है डेड है। तो भाई, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डेड फोन आए तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है भाई, जस्ट आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो में साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, फोन का ये बैटरी है, बैटरी में वोल्टेज कितना है वो हमें चेक करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को ये देखिए, मल्टीमीटर को इस पॉइंट को हम 20 वोल्ट में सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, सेट कर लीजिए। उसके बाद ये दो दो नॉब है, इसको हम एक नॉब को यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे। देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बैटरी के प्रॉब्लम के वजह से डेड रहता है। तो आप फर्स्ट एक बैटरी चेंज कर ले देखेंगे, नहीं तो आपके पास अगर डीपीएस मशीन हो तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर बैटरी चेंज करने के बाद भी अगर आपका सेट नहीं ऑन होता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप रहता है। तो भाई, हमारे जो फ़ोन को ऑन करने के लिए बेसिकली बैटरी में एक लिमिटेड वोल्टेज रहता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7 वोल्ट। कभी कभी क्या होता है, वेदर के वजह से या फिर भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो अगर 3.7 से काफ़ी नीचे आ जाए तो हमारा बैटरी फ़ोन से चार्ज नहीं होगा। तो इस टाइम पे कस्टमर को ये फ़ोन डेड लगेगा। तो फर्स्ट हमें बैटरी का वोल्टेज इसीलिए चेक करने के लिए कह रहे हैं आपको कि 3.7 से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर डाउन है तो आप बूस्टिंग एलिमिनेटर मशीन से इसको बूस्ट करके बैटरी को वोल्टेज दे दीजिए। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, अगर हमारा ये मान लीजिए हमारा ये बैटरी भी सही है तो बैटरी को हम इसमें लगाएंगे। लगा के तो दोस्तों हम पहले आए खोल के देख लेते हैं। ये रहा हमारा बोर्ड, हमने ओपन कर लिया। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा ना वो है, हम एक ट्वीजर ले लेंगे, आप भी ले लीजिए इस तरह से। और ट्वीजर को आप बड़ी ही नाजुक तरह से, ये जो टिप है ना इसको हटाएंगे और यहाँ में नीचे जाएंगे। नीचे जाके ठीक हमारा जो ये पावर पॉइंट है ना, इस ये हमारा पावर की है, इसके नीचे का जो टिप है इसको आप गौर से देखेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक सोल्डरिंग दिखाया जा रहा है, सोल्डरिंग किया हुआ है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए कोई किसी ने ट्राई किया है। तो हमारा जो स्टेप है, मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट रखिए 20 वोल्ट में। उसके बाद और सेट में आपको जो रनिंग बैटरी है चार्ज रहे ऐसा बैटरी लगाएंगे पहले, ऐसे इस तरह से आप बैटरी इंसर्ट करेंगे। ये देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा ही कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए आपके सामने मीटर रख रहे हैं, ये दो नॉब है, एक को आप बाहर के टिप में रखेंगे और एक के आप अंदर के टिप में रखेंगे। अगर इसमें वैल्यू आए तो बढ़िया है, अगर वैल्यू ना आए तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका बैटरी रनिंग है, बैटरी ओके है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम हुआ। यहाँ का जो टिप है पावर टिप, इसको हम टिप कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ ये जो टिप है ये कहाँ से कनेक्शन आ रहा है, या बेसिकली जो अभी जो ये मार्केट में फ़ोन आ रहा है इसमें पहले से टिप दिया गया रहता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत सा टिप दिया गया है, ग्राउंड, हाँ
ये जो हमारा पावर टिप है यहाँ तक तो हमारा प्रॉब्लम अभी तक तो आपको समझ में आ चुका है शायद। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है ये बेसिकली हमारा पहले स्टेप था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया था। क्या ना, ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसमें हम पहले शॉर्ट चेक करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा सेट को डेट करने के लिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मीटर में ये बर्जर रेंज कहते हैं इसको, इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। सेट करने के साथ ही साथ ये देखिए एक बीप साउंड मारेगा आपको। तो ये दो दो नॉब है, दो नॉब को ये देखिए तीन पॉइंट है बैटरी में। अभी के रनिंग एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारा आपको टिप दिखाई मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमें दो पॉइंट चाहिए, एक है पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये लाल देख रहे हैं, ये लाल वाला और ये काला। ये लाल वाला को हम इसको हम यहाँ लगा रहे हैं देखिए, और काला को इधर लगा रहे हैं। ये देखिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। और जब हम इसको चेंज करेंगे ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है। अगर एक साइड वन और एक साइड समथिंग 300 से 500 तक कुछ भी वैल्यू आए तो समझ लीजिए आपका फ़ोन ओके है। और अगर यहाँ पे 20 आता है तो समझिए 20 कब आएगा। ये देखिए ये दो पॉइंट मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तभी ये 20 आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपके फ़ोन में शॉर्ट हो चुका है। तो आप उस शॉर्ट को फाइंड आउट करेंगे। और आगे भी शॉर्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम में पड़ चुका है तो और नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो शॉर्ट आप समाधान करेंगे, तो अवश्य ही अपना हमारे यूट्यूब चैनले कमेंट सेक्शन में जानवें। তো বন্ধুরা অবশ্যই যারা বাংলাতে ইউটিউব চ্যানেল আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে চান অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমরা আমরা বাঙালি অবশ্যই, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে অনেকেই হিন্দিতে দেখতে পছন্দ করেন, এই কারণেই আমরা হিন্দিতে টিউটোরিয়ালগুলো বানাচ্ছি। অবশ্যই যদি আপনারা হিন্দিতে দেখতে চান তো জানাবেন, আর যদি বাংলাতেই পছন্দ করেন অবশ্যই সেটাও জানাবেন। তো দোস্ত চলিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ। তো ইহা তক আমার ইয়ে প্রবলেম আপ সমঝ মে আ চুকা শায়দ আপকো। हमको दो टिप चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस प्रकार से आप चेक करेंगे, यहाँ तक बढ़िया है। अगर आपका यहाँ से भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ से वैल्यू परफेक्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोई भी साइड में आपको अगर वैल्यू नहीं आए तो समझ जाइए आपका ये बैटरी कनेक्टर से इधर का जो पॉइंट है, ये बोर्ड के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं पे मिसिंग है। तो आपको वो कनेक्शन लगाना है। बेसिक ग्राउंड जो है वो आपको कहीं से मिल जाएगा इजीली। और ये जो पॉजिटिव का जो टिप है वो भी यहाँ से इसके पीछे से कनेक्शन मिल जाएगा। अगर पीछे से कनेक्शन हट जाए कोई बात नहीं, उसका करीब करीब एक दो कैपेसिटर मिल जाएंगे आपको बड़ा बड़ा सा। अगर वहाँ से भी नहीं मिल जाए तो बोर्ड में और भी जगह है। ये देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वी बैट करके एक है, बैटरी वोल्टेज इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तक भी सही है। चलिए सब फाइंड आउट कर लिया, यहाँ तक भी सही है, बैटरी सही है, हमारा पावर टिप सही है, सब सही है। तो अब हम क्या करें, फिर भी हमारा फोन डेड है। तो इस समय हमको क्या करना है, इस सेट का जो सॉफ्टवेयर है, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर को हम दोबारा फ्लैश टूल के जरिए हम इसमें डालेंगे। अगर फ्लैशिंग करने के समय कुछ भी अगर हार्डवेयर के प्रॉब्लम है तो वो फ्लैश टूल हमको सब बता देगा। आगे भी हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, क्या ना अभी तो ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं हमारे से हमारे पास। अगर आपके पास ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है तो उस आप ज़रूर हमको जानाइए बताइएगा। क्या ना दोस्तों, बेसिकली हम वेस्ट बंगाल से हैं तो थोड़ी एक दो मिस्टेक हो रहा है, तो इसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप चेक करेंगे तो बढ़िया है। बेसिकली हमारे फ़ोन में तो हमने कह दिया था 7 सेक्शन है, और जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन आएगा
उसके लिए भी और भी वीडियो आएंगे आपके पास, उसमें बहुत सारे सेक्शन है। जो हमारा पहले का जो मॉडल था ना, ओल्ड मॉडल, जैसे आपका होता है ये नोकिया, जो सेक्शन अलग अलग सेक्शन था, बीच में क्या किया गया था, बीच में देखिए, बीच में ये आया था, बीच में ये सिंपल रहता था, एक सीपीयू, एक 26 MHz, एक पीआईसी, एक चार्जिंग आईसी, बेसिकली चार आईसी में कंप्लीट हो जाता था। तो अभी जो फ़ोन आ रहा है मार्केट में, जो एंड्रॉयड फ़ोन के नाम से जाना जा रहा है, उसमें पूरा सेक्शन अलग अलग रखा गया है, पूरा सेक्शन, फिर से हम उस पुराने ज़माने में चले गए हैं, जस्ट उसमें लुक नया दिया गया है। तो दोस्तों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप ये जो पुराना फ़ोन है, इसका जो आईसी का पहचानने का जो सिस्टम है, वो आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, हमारे लिंक में, हमारे चैनल में चले जाइए, ज़रूर मिल जाएगा इसका वीडियो, वो बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, तो हम आपको दिखाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। क्या ना, रिपेयरिंग का जो काम है बहुत बहुत इजी है। बहुत सारा क्या ना, बहुत सारा गरीब दोस्त भाई है हमारे, जो पैसे की कमी से काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो वो हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्या ना, आज के दिनों में हर किसी के पास मोबाइल तो होता ही है भाई, एक सब्सक्राइब कर लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा। हम आपको ऐसे ही ट्रिक और टिप्स देते रहेंगे, बहुत इजी रहेगा आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में। अगर आपका काम सीखने का अगर आपका जज्बा है, तो ज़रूर आप सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से आप और भी मोबाइल को या मोबाइल का और भी प्रॉब्लम ट्रेस कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो गाइस क्या है ना, हम सुबह ये वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी, हमारे एक दुकान है, इसलिए रात में जाके हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अब रात के 12 बज रहे हैं। तो गाइस इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो एक लाइक बनता है, क्या ना, आपका जो लाइक है और जो आप कमेंट में जो कुछ आपका मिठास भरी जो बात होती है ना, वो हम गर्म चाय की जो प्याले होती है उसके जैसा काम करता है। हम पूरा फ्रेश महसूस करते हैं, आगे भी ऐसे आपके लिए वीडियो और भी लाने की एक जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। बहुत समय नहीं मिल पाता है, बट आपके लिए फिर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बस ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।